अभिनेता सलमान खान पर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया। नवी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया जो पनवेल में अभिनेता सलमान खान की कार पर हमला करने की योजना बना रहे थे। इसके लिए पाकिस्तानी हथियार सप्लायर से हथियार मंगवाने की भी योजना थी। देखिए रिपोर्ट। सलमान खान शूटआउट में नया पर्दाफाश। सलमान को AK-47 से मारने का था प्लान। पाकिस्तान से हुई थी हथियारों की डील। लॉरेंस गैंग के 4 शूटरों का बड़ा कबूलनामा। सलमान खान पर एक बार फिर हमला करने की कोशिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया। नवी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है। ये वो शूटर हैं जिन्होंने पनवेल में सलमान खान की कार पर हमला करने की योजना बनाई थी। धनंजय उर्फ अजय कश्यप, संदीप विश्नोई उर्फ गौरव भाटिया, वासफी खान उर्फ वसीम चिकना और जीशान खान उर्फ जावेद खान, ये लॉरेंस गैंग के वो गुर्गे हैं जिन्होंने सलमान खान पर हमला कर उन्हें खत्म करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैं, जिनमें से लॉरेंस गैंग के शूटर अजय कश्यप ने पाकिस्तान में बैठे डोगर से बात की। इस बातचीत में अजय कश्यप ने डोगर से हथियारों की डील भी की, जबकि लॉरेंस गैंग के शूटर अजय कश्यप से सुखा नाम का शूटर भी जुड़ा हुआ था। सुखा सीधे अनमोल विश्नोई के संपर्क में था। दावा है कि सुखा और अजय कश्यप ने सलमान खान को बुलेट प्रूफ गाड़ी में मार देने की योजना बनाई थी। इसके लिए अजय कश्यप और उसके गुर्गों ने सलमान खान के फार्म हाउस और मुंबई वाले घर की रेकी की थी। हम लोगों ने हमारे कुछ इन्फॉर्मर और हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर्स, जिनको ये लोगों का जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप और बाकी सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स है उनमें हम लोगों ने इनको इसमें इन्फिल्ट्रेट किया। उसके बाद ये हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इसमें काफ़ी दम है और इन्फॉर्मेशन वर्कआउट करने जैसे है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो 4 आरोपी है इनको एक हैदराबाद से, एक बैंगलोर से, एक संभाजीनगर से इनको अरेस्ट किया। इनको अरेस्ट करने के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है। पहली बार 14 अप्रैल को सलमान के घर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। इसी कड़ी में लॉरेंस गैंग के 4 गुर्गे सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी करते हुए गिरफ्तार हुए। चारों शूटर्स को AK-47 सहित कई अन्य हथियार से फायरिंग करने के आदेश दिए गए थे। सबूत के तौर पर पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से कई वीडियो भी मिले हैं। पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि मुंबई, रायगढ़, नवी मुंबई, थाने, पुणे और गुजरात से आने वाले लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा गैंग के तकरीबन 60 से 70 गुर्गे सलमान खान पर नजर रखे हुए हैं। ये नाबालिगों के जरिए सलमान पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे और अटैक के बाद इनका प्लान बोट के जरिए कन्याकुमारी से श्रीलंका भाग जाने का था। सलमान के घर पर हुई फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई मुख्य आरोपी हैं। इसके अलावा गोल्डी बरार, रोहित गोदारा, संपत नेहरा समेत 18 आरोपियों के नाम हैं। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।